हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रेडमी डिवाइस में आईफोन 10 लाइट गेस्चर कैसे ऐड करें। सबसे पहले इसका हम लोग ट्यूटोरियल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये म्यूज़िक ऐप ओपन किया, अब हमको जाना है होम में। तो क्या करेंगे, स्वाइप अप करेंगे तो ये होम में चला जाएगा, उसके बाद स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो ये रिसेंट में चला जाएगा, उसके बाद स्वाइप राइट करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। अब क्या कर ले, दो ऐप ओपन कर लेते हैं। अब हमको जाना है लास्ट ऐप में जो अभी बैकग्राउंड में प्रोसेस में चल रहा है। तो क्या करेंगे, स्वाइप अप एंड होल्ड करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, फिर स्वाइप अप एंड होल्ड करेंगे तो ये ब्राउज़र में आ जाएंगे। हमको जाना है, मान के चलिए हमको स्प्लिट स्क्रीन मोड में जाना है, तो क्या करेंगे, स्वाइप लेफ्ट एंड होल्ड करेंगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको पावर मेनू में जाना है, तो क्या करेंगे, स्वाइप राइट एंड होल्ड तो पावर मेनू में आ जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए हम इसका प्रोसेस देखते हैं, ये आखिर गेस्चर हमारे फ़ोन में कैसे आएगा। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और आईफोन एक्स गेस्चर सर्च करेंगे, उसके बाद इस ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट परमिशन है ये क्या, डिस्प्ले पॉपअप विंडो, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि डेनी होगा पहले से ही। और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाके ऑन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से ऑन कर देंगे सर्विसेज रनिंग, यहाँ से ऑन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे स्वाइप कुछ सेटिंग कर देंगे, जैसे स्वाइप अप टू होम, स्वाइप लेफ्ट टू रिसेंट, स्वाइप राइट टू बैक, लॉन्ग वाइप अप टू लास्ट स्विचिंग ऐप, लॉन्ग वाइप लेफ्ट टू स्प्लिट स्क्रीन। और इसके बाद ये मेक इनविजिबल और बिहाइंड द कीबोर्ड पे कुछ सेटिंग कर देंगे। सो गाइज, if you like my video please like and subscribe. Thanks for watching.